मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ था तो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म, ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म। सारे वीडियो बन चुके हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो गई है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, इसमें हम आरडी शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम नई एक्सरसाइज पे स्विच कर देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, एक्सरसाइज 8.4 का। आपका क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू। आपको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है तो हम एक साइड लेते हैं, उसकी वैल्यू दूसरी साइड के बराबर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जब भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो मैंने हमेशा बताया कि हमेशा हम किस में चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। उसके बाद ही क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में भी इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैं टेन थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप लोग सब जानते हैं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि इसका ये सूत्र होता है। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को ये सब पता है। cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1 माइनस tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, ऊपर तो यही रहेगा, नीचे जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए मैंने 1 लगा दिया, 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल, बचा 1, 1 का cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका भी एलसीएम लेंगे 1 और cos थीटा का, cos थीटा 1 से कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये यहां तक रहा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं। अब आप एक चीज जानते हैं, जो चीज नीचे होती है वो सबसे ऊपर जाती है और जो चीज यहां पे होती है वो यहां पे जाती है। तो सबसे नीचे वाला ये और ये, इसी प्रकार इसमें भी सबसे नीचे वाला ऊपर, ये वाला इधर। तो साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा कॉमन है और अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखते जाइएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए, इक्वल इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा अगर मुझे आके सॉल्व करना है। लेकिन अगर यहां पे गौर करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकता हूं? अगर जिनको पता है वो आसानी से बना लेंगे, जिनको नहीं पता तो ध्यान से सुने। कभी भी a माइनस बी को b माइनस से लिखना हो, जैसे कह दो x माइनस वाई को y माइनस x लिखना हो, ऐसे तो फालतू में तो लिख नहीं सकते। मैथ में कुछ भी फालतू में नहीं कर सकते। मैथ और साइंस इसीलिए तो अच्छे टीचरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ भी फालतू में नहीं लिखा जा सकता। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अच्छा, a माइनस बी को जब भी b माइनस से लिखना हो ना, तो पीछे से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो a माइनस बी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा b माइनस से। रीजन क्या है, माइनस का b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b, माइनस का माइनस a से तो माइनस माइनस, प्लस का a तो हमको मिल जाएगा प्लस का a माइनस का b। इसी प्रकार x माइनस y को y माइनस x लिखना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए और सीधा सीधा आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर भी हमको इसका और इसका फिर से एलसीएम लेना है, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो अगली लाइन में नोट डाउन किए दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि वी आर टेकिंग कॉमन ऑफ निगेटिव साइन, अगर हमने माइनस से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब इसके बाद इनका फिर से एलसीएम लेंगे। अच्छा गौर करिए इसका इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका इसका ये दोनों में कॉमन है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, एलसीएम लेने का तरीका आप लोग को आना चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ लीजिए अच्छे से पढ़िए, इसका इसका दोनों में है तो एक बार, बाकी जो बचा ये बचा ये बचा तो इनको क्या कर दे एज इट इज उतार देते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा, और साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, जब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, सिमिलरली इससे ये कैंसिल, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब भी क्वेश्चन सेज है, ये तो हमको प्रूव नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला होता क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सूत्र में लिखे देगा, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह साइन थीटा बी की जगह कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा पूरे क्या कौन क्या है ये, यहाँ पे तो सूत्र लगा दिया, इसकी जगह फॉर्मूला ओपन कर दिया, इसको वैसे ही उतार देता हूं मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ऊपर नीचे सेम है कैंसल, अब जो भी बचा उसमें फिर मैं ऊपर से लिखता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज किए दे रहा हूं, ये हटाया ये हटाया, यहां से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, समझिएगा दो बार देखेंगे क्वेश्चन आने लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ऊपर बचा क्या ये अच्छा यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे की अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा आप गौर करें आपको प्रूव करना था वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब यहां पे देखें तो वो चीज तो नहीं है साइन कॉस में, आपको सेक कॉसेक में चाहिए, लेकिन हम जानते हैं वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो ये पूरे के अपॉन में लिखा है, हमारी क्वेश्चन की डिमांड है, क्या मैं अलग अलग नहीं लिख सकता 100% हम लिख सकते हैं पूरे के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो एक बार इसके अपॉन भी लगा सकते हैं और एक बार इसके अपॉन भी लगा सकते हैं। अच्छा इससे ये कैंसिल, अच्छा यहां पर वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहां पर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा वन, अब क्रम कर लेते हैं वन प्लस वन को इधर लिख दे रहा हूं सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टू, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, पहले टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, बेसिक एलसीएम लिया,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वैसे तो है ही आपके पास, जिनके पास नहीं है वो मत पढ़े, लेकिन जिनके पास है वो पढ़ाई करे, मेहनत करे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बढ़िया दिमाग है, पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, तो भैया मेहनत करिए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो आज से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। एक वीडियो और बनेगा जिसको हम बोलेंगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री वीडियो क्लास 10th का, उसमें आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। और फिर थैंक यू, घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए, माता पिता की सेवा करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।